माननीय उपसभापति जी, आपने एसिड अटैक पीड़ितों की दुर्दशा के संबंध में मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। युवा लड़कियों और महिलाओं पर एसिड हमला समकालीन भारतीय समाज की एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। यह एक ऐसा विषय है जो महिलाओं के दर्द से पीड़ित है और मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत में पिछले 5 वर्षों में 1500 एसिड हमले हुए हैं। इस जघन्य अपराध से बचे लोग शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक कठिनाइयों से भी पीड़ित हैं। वे आजीवन भेदभाव, कलंक और समाज से अलगाव का भी सामना करते हैं। वे पर्याप्त चिकित्सा देखभाल, कानूनी सहायता तक पहुंचने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। कई महिलाएं अपनी चोटों और अक्षमताओं के कारण काम करने और आजीविका कमाने में भी असमर्थ हो चुके हैं। मैं सरकार से एसिड हमलों को रोकने और अपराधियों को दंडित करने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने और लड़कियों और महिलाओं को व्यापक समर्थन एवं सहायता प्रदान करने का आग्रह करती हूँ। मैं ये भी निवेदन करती हूँ कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा मिले, मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध हो, उनको कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जाए, उनको शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के पर्याप्त अवसर भी मिले, साथ ही उनको सामाजिक सुरक्षा भी मिले और सामाजिक बदलाव के लिए भी हम कुछ अलग से प्रयास करें। सरकार से मैं ये भी निवेदन करती हूँ कि तेजाब हमलों के मामले पर 226 विधि आयोग की रिपोर्ट और उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों को भी हमें तत्काल प्रभाव से लागू करना चाहिए। धन्यवाद।